आज हम इस वीडियो में देखेंगे सर्वर नेक्स्ट जेएस पे कि हम सर्वर एक्शन के थ्रू जो है कैसे हम अपने फॉर्म को जो है सबमिट बनाएंगे और उसे सबमिट करेंगे बैकएंड में। तो हमारा जो फॉर्म है वो बैकएंड में, उसका डिटेल बैकएंड में जाएगी, कोई अदर अदर शो नहीं होगी। तो बैकएंड के थ्रू करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। टर्मिनल ओपन, वही सेम चीज मैं जो यहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ, npm create, यहाँ आता हूँ माई बैक एंड फॉर्म, नोन यस यस नो यस नो आ गया, अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये यहाँ पे जो है इंस्टॉल हो चुका है। ये यहाँ पे लिखेंगे कोड माइनस आर और यहाँ पे लिख देंगे माई बैक एंड फॉर्म। मैं अब सीधा एंटर हो गया उसके अंदर, यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। और अब मैं जो हूँ यहाँ पे आऊँगा, ऐप में आते हैं, पेज डॉट जे एस में आते हैं। और अब जो है मैं ये इस सब को फालतू को डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं डिब। डिब के अंदर जो है हम देंगे, सबसे पहले हम ऊपर देंगे यहाँ पे आके फॉरम एक्शन। तो यहाँ पे आते हैं और जो है हम थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ डिप दिया, डिप के अंदर मैं अपना लेता हूँ फॉरम, फॉरम एक्शन में लेता हूँ। और फॉरम एक्शन के अंदर ही मैं दूंगा, इसमें मैं डिप दूंगा, डिप के अंदर मैं पहले इनपुट दूंगा। इनपुट के बाद जो है मैं इनपुट में यहाँ टाइप, मैंने टेक्स्ट दे दिया है, मैं यहाँ पे नेम मैं दूंगा नेम, आईडी मैं दूंगा इसमें भी नेम। और फिर जो है उसके बाद मैं यही सेम एक बनाऊंगा और यहाँ मैं जो कंट्रोल सी करके एक और देंगे, नीचे एक और देंगे। बट पहले जो है यहाँ पे आएंगे, यहाँ मैं दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे जो है टाइप मेरा टेक्स्ट ही रहेगा, यहाँ पे मेरा एड्रेस होगा, यहाँ पे भी मेरा एड्रेस होगा। और यहाँ पे जो है उसके बाद फिर मैं जो है एक बटन बनाऊंगा, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरा एक बटन बनेगा। अब ये जो है यहाँ BUT बटन बनेगा, बटन होगा सबमिट बटन होगा। उसके बाद साथ में मैं यहाँ पे दूंगा लेबल, इसमें थोड़ा लेबल का होता है, अलग तरीके से HTML फॉर लिखा था, इसमें लेबल फॉर लिखा था। इसमें जैसे नीम आएगा, जब से क्या होता है ये अलग तरीके से शो होता है लेबल। और इसमें आएगा यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, यहाँ एड्रेस आ गया, इस तरीके से ये आ चुका है इसके अंदर। फिर चूंकि हमने टेलवेंड को एक्सेप्ट किया है, तो हम जो है इसमें जो है टेलवेंड भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट थोड़ा टेक्स्ट करके, टेक्स्ट वाइट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी सेम दे दो, क्लास नेम और टेक्स्ट वाइट रख दिया हमने। और जो है अब होगा क्या, मैंने ये सब कर दिया, अब मैं आता हूँ अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे सर्वर में आऊंगा और npm रन टैब करेंगे। npm रन टैब करते ही ये मेरा स्टार्ट हो गया, होस्ट क्लिक किया और क्लिक करने के बाद और जो है ये क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लास्ट जो बनाया था 3 को हम कर देते हैं। लो भाई लोकल हो, स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो ही हो रहा है, स्टार्ट लोडिंग ले रहा है। हाँ तो ये देखेंगे, ये इस तरह से हमारा आ गया एड्रेस इस तरह से, और ये बटन हमारा बन चुका है। इसमें आप चाहो तो थोड़ी CSS इसमें दे सकते हो टेलवेंड के साथ। यहाँ जो हमने ये टिप दे रखा है, इसमें हम क्लास दे सकते हैं
W2 by 3, ठीक है, W2 by 3 साथ में हम MX कर देंगे ऑटो, और MY इसमें कर दो 12, ठीक है, ये हमारी इस तरह से हो गई। तो हमें कुछ इस तरीके से इसका दिखेगा, ये इस तरह दिख रहा है। अब थोड़ा इसमें और चेंज करते हैं, बटन में आए, क्लास नेम में आए, थोड़ा इसमें बॉर्डर दे देते हैं, स्पेस देंगे देंगे तो बॉर्डर इसमें 2 दे देते हैं, और इसमें यहाँ पे जो है हम बॉर्डर करेंगे, फिर बॉर्डर बॉर्डर कर देते हैं, इसका रेड कर देते हैं बेटा, ये वाला दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर हमने रेड कर दिया है, यहाँ जो है हम इसे ब्लैक करेंगे, टेक्स्ट हमारा ब्लैक रहेगा, ताकि उस पर ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और जो है नेक्स्ट यहाँ पे जो है हम थोड़ा कर सकते हैं MX 4, उसके बाद फिर यहाँ भी हम यही सेम कर सकते हैं MX 4, अगर हम ये सब करते हैं तो इसके बाद देखिए क्या दिखेगा हमें यहाँ पे, यहाँ हमें थोड़ा प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे मैं जो है जो भी लिखूँगा ब्लैक ब्लैक आ रहा है, और ये जो सबमिट बटन है ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप देखो, ये जब मैं क्लिक करता हूँ पेज रीलोड हो रहा है, क्लिक किया पेज रीलोड हो रहा है, क्लिक किया प्ले रीलोड। अब यही चीज़ को हमें रोकना भी है, पेज भी रीलोड ना हो और हमारा काम भी बन जाए। देखिए वैसे तो ये हो सकता है कि फॉर्म एक्शन में, जैसे अगर वो पेज बार बार रीलोड हो रहा है, तो हम फॉर्म एक्शन में जाके हैंडल हैंडल क्लिक करके एक इवेंट बनाए, इवेंट बना लेते हैं e.prevent default से क्या होगा कि वो जो इवेंट है आपका बार बार जो है रीलोड नहीं होगा। पर हमें क्यों करें हम ये सब चीज़ें, इसके लिए हमारे पास एक नई ट्रिक है Next.js में, तो इसके लिए शानदार एक तरीका कहता है कि आप जो है हमें Next.js, हमें कहता है कि Next.js आओ यहाँ पे आओ, और एक जो है ये बना दो सबमिट एक्शन। अब ये सबमिट एक्शन क्या करेगा, बेसिकली ये एक ये इवेंट, ये एक फंक्शन है। यहाँ पे आएंगे यहाँ पे बनाते हैं कंस्ट सबमिट एक्शन, और इसे हम बना देंगे async फंक्शन। कैसा बनाएंगे, async फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये किया, इसमें हम जो है ई करेंगे, क्या करेंगे ई, और साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम करेंगे, इसमें हम करेंगे यूज सर्वर का मीनिंग है कि अब ये फंक्शन जो है मेरा जो सबमिट एक्शन वाला है ये किस पे वर्क करेगा, सर्वर पे वर्क करेगा। जैसे यूज क्लाइंट हम यूज करते थे, यूज क्लाइंट में हम जो यूज करते थे कि वो क्लाइंट पे ही यूज वर्क करता था, यूज सर्वर जब फंक्शन में दे दिया तो वह सर्वर पे ही काम करेगा, वो वर्क नहीं करेगा आपका वेब पेज पे, आपका वर्क नहीं करेगा क्लाइंट साइट पे, वो आपका सर्वर पे ही वर्क करेगा। तो आप देखते हैं आ गया, ये यूज सर्वर हमने दिया है, यूज सर्वर के बाद हम इसमें जो है पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं, क्या इम्पोर्ट करते हैं FS from FS comma promises, और ये जरा देख लेते हैं, ये जो है FS comma हमने promise दिया है, देखते हैं जरा, यहाँ दे दिया हमने, यहाँ पे हम लिखते हैं fs.writefile, क्या करेंगे कि write file, एक फाइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक फाइल बनाएंगे, सपोज करो शॉर्टकट फाइल बनाते हैं database.txt, एक database.txt से हम एक फाइल बनाते हैं, इसमें जो मतलब हमारा डाटा सेव हो, और उसके अंदर ये फाइल बना के उसमें हम लिख देते हैं I am backend database file। अब जो क्या करेंगे, इसको हम करते हैं, और इसको करने के बाद जो है हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखेंगे console
log, कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे हमें क्या चाहिए, ई डॉट गेट। ई डॉट गेट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम, जो नेम हमने इनपुट टैग में दिया था पहले वाला नेम वाले में। और साथ में हमें और क्या चाहिए, साथ में हमें चाहिए ई डॉट गेट, ई डॉट गेट। और इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एड, जो एड माने एड्रेस दिया था ना, ये हमें चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ ये हमें मिलना चाहिए। तो अब देखिए, अब जो है हम आते हैं इस पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम सिंह। क्या लिखा, राम सिंह कहाँ रहते हो, ये रहता है अयोध्या में। अब ये अयोध्या में रहते हैं, लेकिन साथ में अब हम जो है आएंगे, देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पर थे नेटवर्क पे, ठीक है। अब मैं सबमिट करूँ, सबमिट जैसे क्लिक होगा आएगा एक्शन चलेगा, क्या चलेगा एक्शन। एक्शन भी क्या चीज चली इसमें, नेटवर्क में चलते हैं, एक और एक्शन हुआ। ये देखो स्टेटस 200 है, फैच है, ये ओके है, ये सब हो गया। और ये सब होने के बाद आप चमत्कार देखिए, चमत्कार क्या चीज दिख रही है, राम सिंह अयोध्या। ये देखो बैक आगे नहीं आ गया सर्वर में, आपका सारा कंटेंट हमारा सर्वर में आ गया, चूंकि मैंने दो बार क्लिक किया था तो दो बार आया होगा ये। ये देखिए राम सिंह अयोध्या, राम सिंह अयोध्या पहुंच गया, नहीं पहुंच गया। साथ में जो है हम इसे जो है एसिंक फंक्शन बनाया है, तो लेट ए इक्वल टू इसे कर लिया, अवेट कर देते हैं। और अवेट करने के बाद जो है यहाँ करेंगे कंसोल डॉट लॉग ए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और दिखा दूं कि जब मैंने ये किया तो मेरी डाटाबेस नाम से एक फाइल भी बनी, जिसमें लिखा था आई एम बैक एंड डाटाबेस फाइल, ये साथ में एक फाइल भी बन गई थी। और कंसोल डॉट लॉग ए किया है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कृष्णा, और यहाँ लिख देते हैं वृंदावन, ठीक है। और ये देखो सबमिट किया है, ये जैसी सबमिट किया फटाफट, ये देखो इसमें भी एक फंक्शन चलता है, इसमें देखो ना ओके फंक्शन 200 ओके, इसमें जैसी फैच मारेगा ये फंक्शन। और यहाँ देखिए कंसोल में आते हैं, कंसोल में फिलहाल यहाँ तो कुछ भी शो नहीं होगा। और यहाँ देखिए यहाँ हमारा जो है यहाँ मैं इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ मैं नीचे लेके जाता हूँ, तो ये देखिए ये आ गया कृष्णा और वृंदावन, आ गया कि नहीं आ गया। ये मेरा नीचे अनडिफाइंड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फालतू तो इसे कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, और डाटाबेस डॉट टी एक्स टी फाइल तो इसमें चली रही है। और जो है साथ में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, यहाँ पे जो हमें दिख रहा था ये अनडिफाइंड इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसे कंसोल डॉट लॉग मिल नहीं रहा। अब ये तो डाटाबेस डॉट टी एक्स टी यहाँ में मिल रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे भी डाटाबेस में भी हमारा जो मैटर है वो लिखा है। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे नीचे लें और इसे जो है वो कर दें कमेंट आउट, कमेंट आउट करने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे हम जो है ये करेंगे करेंगे बैक टेक यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बैक टेक लिखते हैं, नेम इज देखा ई डॉट गेटर, ये डॉलर ई डॉट गेट नेम एंड एड्रेस इज, तो लगा देंगे हम डॉलर, ये लगाएंगे ई डॉट गेट और ब्रैकेट में लिखेंगे अपना एड्रेस का जो ऐड दे रखा था हमने, इस तरह से कर सकते हैं। और ये हम इसे करेंगे, अब ये करने के बाद जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए फिर से हम लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं विष्णु, क्या लिखेंगे विष्णु। और विष्णु कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में। तो विष्णु मैंने किया, सबमिट किया, ये देखिए जैसे सबमिट करूँगा ये तो अपना चलेगा ही चलेगा एकदम से, ये तो अपना चलेगा ही चलेगा। और जैसे ही मैंने किया ये सबमिट जो किया हुआ है, दोबारा मेरा सबमिट हो गया है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए विष्णु वैकुंठ तो आ ही गया, लेकिन अब देखिए डाटा बेस में ये देखिए नेम इज विष्णु एंड एड्रेस इज वैकुंठ। तो इस तरह से डाटा बेस में आप इसे सेव कर सकते हैं इस फाइल को, इस तरह से यूज करके। और ध्यान रखिए हम इसे एज अ सर्वर यूज कर रहे हैं, अगर हम एफ एस प्रोमिस से तभी हम यूज कर पा रहे हैं, नहीं तो इसको यूज नहीं कर पाते। अब अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये नहीं चलेगा, ये देखिए ये मुझे एरर दिखाएगा फॉर पास्ट
फंक्शन कैन नॉट पास डायरेक्टली टू क्लाइंट कंपोनेंट यूजिंग एक्सपोज यूज सर्वर। ठीक है, तो यूज सर्वर हमें यूज करना पड़ेगा तभी हमारा ये एरर रिमूव होगा। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब इसके बाद आगे तो जो चीजें आपने मंगूज में की थी वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मंगूज यानी मंगो डीबी में चलाता है, साथ में उसके साथ यूज किया था, तो वो सब चीजें हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ मैं आऊँ, अभी मैं जैसे नेम बदल दूँ, जैसे मैं लिख दूँ सोहन और यहाँ लिख दूँ सोहन, और लिखा मैंने मथुरा और सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही क्या होगा देख लो भैया जी, ये डाटा में आते हैं, ये देखो सोहन आ गया और ये मथुरा आ गया। ये ऐड होगा कि नहीं होगा, इसमें ये चीज़ हो रही है इसमें इस तरीके से। तो हम साथ में ये कर सकते हैं, हमारा जो सर्वर एक्शन था इसको हम अलग फाइल में कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया एक्शंस, क्या फोल्डर बना दिया एक्शंस, और उस एक्शंस फोल्डर में मैं जो हूँ एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है forum.js। forum.js में आते हैं और उसके बाद जो है ये मैंने पूरा उठाया यहाँ से, कट मारा, कट मारने के बाद सेव किया और यहाँ पे मैं लेके आ गया, मतलब मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ। उसके बाद जो है मैंने यूज सर्वर को क्या किया, मैं ऊपर ले गया। ठीक है, उसके बाद जो है मेरा ये FS प्रोमिस है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। इसको भी मैं जो हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट किए देता हूँ। इंपोर्ट कर दिया, अब यहीं पे ये वर्क होगा। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद जो है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, फिलहाल मेरा इसका भी कोई काम नहीं है। मेल टैग में समझा करूँगा इंपोर्ट। इंपोर्ट किसे करेंगे हम सब, यहाँ लिखेंगे सबमिट एक्शन, सबमिट एक्शन। अब ये कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हो, कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हो, एट दी रेट, एट दी रेट कहाँ से है, एट दी रेट तो बाहर से हो, एट दी रेट एक्शंस जो हमने फोल्डर बनाया था, एक्शंस में कौन सा फोल्डर बनाया, फॉरम हमने फाइल बनाई, तो हमने फॉरम फाइल बनाई थी। यहाँ पे हमने जो है क्या किया, इसे इंपोर्ट कर लिया। साथ में जो है यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा भैया जी कंस्ट, साथ में जो है मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, क्या करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के बाद आप देख लो वही सेम होगा इसमें। लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ मोहन, और इसमें लिखता हूँ मोहन कहाँ से आया है, मोहन आया दिल्ली से, और इसे मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करके देखा पेज रीलोड नहीं हुआ, देखो पहले सबमिट करता हूँ, सबमिट करने से पेज रीलोड नहीं हुआ, और पेज रीलोड नहीं भी नहीं हुआ, और पेज रीलोड के बाद भी यहाँ डाटाबेस में आप आके देखोगे तो मोहन है दिल्ली में आया, और ये यह देखो यहाँ पे आ गया। अब ये जो फालतू का ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड नीचे आ रहा है, यहाँ मैंने जो फंक्शन बनाया था कंसोल डॉट लगे, इसे कुछ नहीं मिल रहा यहाँ से। और जो है तो ये कंसोल डॉट लाइक को हमने बंद कर दिया, ये फालतू का अनडिफाइंड दिखा रहा था। देखो मैं दोबारा इसे क्लिक करता हूँ, दोबारा अभी देखो मोहन डेली आ रहा है, फालतू की चीज नहीं आ रही, और डाटाबेस डॉट txt में तो ये पहले से ही सेव हो गया। अब मेन जो चीज है यहाँ, एक चीज देखो, जब मैंने सबमिट कर दिया उसके बाद ये मोहन डेली नहीं हटा, ये हटना चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे, अगर रीसेट करना है फॉरम को तो यूज रेफर हम यूज करेंगे। कैसे देखो, तो इस तरीके से हम ये पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि मल्टीपल एक्शंस हम इसमें जो सर्वर के हैं, मल्टीपल एक्शंस जो है हम इसमें फॉरम में सबमिट करा सकते हैं। ये फॉरम के थ्रू पेज डॉट जेएस में कई मल्टीपल, एक और एक्शन बना दो उसमें सबमिट करा दो, एक और एक्शन बना दो उसमें सबमिट करा दो। अब अगर ये चीज मुझे देखनी है कि मेरा जो पेज है वो जो है ये रीसेट नहीं हुआ था बटन पर क्लिक करने पे भी, तो मुझे इसको रीसेट करना है फॉरम का वो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इम्पोर्ट, और हम इसमें यूज करेंगे यूज ref, use ref from react, और उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे let ref equal to use ref, क्या कर देंगे use ref use करेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे let, और जो है यहाँ पे let लिखने के बाद अब यहाँ forum action पे आएंगे, तो फॉरम एक्शन में अब हम दिखाएंगे कि हम जो है फॉरम एक्शन कैसे
में चेंज कर देंगे। फॉरम एक्शन में क्या चेंज करेंगे, जो ऊपर हमने रेफ लिया है उसी के नाम से एक और ये बना दो, इसमें लिख दो रेफ। ठीक है, ये तो इसका हो गया। उसके बाद और एक्शन में क्या करेंगे, एक्शन में इसको ही एक फंक्शन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। और यहाँ पे ये किया, ये किया, यहाँ पे किया ये। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम जैसे बनाएंगे इसे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसे ई करेंगे, और यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको भी बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब इस फंक्शन को, इसे फंक्शन बना के ई करेंगे। ई करने के बाद कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कॉमे की जरूरत नहीं है, सेमी कॉलम लगा दो और फिर लिख दो ई डॉट रेफ डॉट। यहाँ हम लिखेंगे रेफ डॉट करंट डॉट रीसेट। क्या कर देंगे, रीसेट कर दे भाई। कैसा रीसेट कर दे, जो फॉरम मैंने सबमिट किया भैया उसे रीसेट कर दे। अब आपको एक चीज दिखाते हैं। सबसे पहले हमें एरर दिखेगा, ये कह रहा है कि भाई यूज रेफ को आप यूज कर रहे हो लेकिन क्लाइंट कंपोनेंट पे यूज करना है, क्लाइंट साइड पे यूज करना है। तो इस पूरे के पूरे को मुझे किस पे लेना पड़ेगा, एज अ यूज क्लाइंट, यूज क्लाइंट, यूज क्लाइंट यूज करने पे ही मैं ऐसे कर सकूंगा। लेकिन अब देखो एरर हट गया। अब देखो मैं आता हूँ इसमें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, नेटवर्क पे आए, यहाँ मैं लिखता हूँ राधा, फिर मैं लिखता हूँ एड्रेस गोकुल, और मैं ऐसे कर देता हूँ सबमिट। सबमिट करने से ये 200 हो गया, और 200 होने से ये देखो फॉर्म भी गायब हो गया था। अब देखो मैं दोबारा करता हूँ रवि, और रवि का लिख देता हूँ मैं चेन्नई, और ये देखो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा फॉर्म गायब हो गया। सबमिट पे क्लिक कर दी, फॉर्म गायब भी हो गया। और यहाँ पे ये देखो राधा गोकुल रवि चेन्नई, ये मेरा सबमिट भी हो गया यहाँ पे, और वहां से जो है वो भी हो गया। ये तो खैर यहाँ पे बदलता रहेगा, यहाँ पे देखो इस तरह चेंज हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें बार बार जो है सर्वर पे कंपोनेंट बनाने की हमें यूज रेफ को हम यूज कर सकते हैं रीसेट करने के लिए हमें सर्वर साइट पे इस तरह से। तो आपको जो है बार बार एपीआई बनाने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपना सर्वर एक्शन यूज कर सकते हो फॉर्म को सबमिट करने के लिए। जैसे लास्ट वीडियो हमने एपीआई बनाई थी, डाटा में लिख दिया था नेम लाइव, तो लेकिन यहाँ हमें जो, यहाँ हमने कौन सी एपीआई बनाई है ना, यहाँ हमने कौन सी एपीआई बनाई, यहाँ तो फॉर्म चल रहा था हमारा, फॉर्म में जो लिखा वो देखो सर्वर में जाके सेव हो गया, सर्वर में डाटा जाके सेव हो रहा है, तो सर्वर में सेव हो रहा है। तो इस तरह से हम कितनी भी एपीआई बना सकते हैं, मतलब पहले राधा आई गोकुल से, फिर रवि आया चेन्नई से। तो इस तरह से देखो कितने सारे सारे हमारे सबमिट हो गए, मुझे सब कुछ दिख रहा है मेरे फॉरम में, तो हो रहा है ना बैकएंड में सेव, इस तरह से हो रहा है ना, चमत्कार ये। तो हम एपीआई कंपोनेंट से ज्यादा बेस्ट है सर्वर कंपोनेंट को हम करें, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट में फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म में तो अलग अलग डिटेल होती है, अलग डिटेल जाके जो है वो कोई भी डिटेल सबमिट हो रही है। जैसे राधा गोकुल था रवि चेन्नई था, इसमें तो हमें एपीआई में बाय डिफॉल्ट बनाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। फॉरम में जाके जो है सीधा खटखट खटखट जो मर्जी लिखो वो जाके सबमिट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ जो है हम इसमें जैसे बनाइए, हमने डाटा बेस से कनेक्ट कर सकते हैं, मोंगोस मोंगो डीबी इससे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ हमने इस तरह बनाई है, ओके।